नमस्कार, मैं अंजलि विश्वास, स्वागत है आप सभी का द न्यूज पे। आपको बता दें कि दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने एक बड़ा फैसला लिया है। कश्मीर लॉ कॉलेज के पाकिस्तान समर्थक प्रिंसिपल को जहां बर्खास्त किया गया था, जिनका आपको बता दें कि नाम जो है शेख शौकत हुसैन है, और वही दूसरी तरफ अरुंधति रॉय जो लगातार, अगर आप कहेंगे पाकिस्तान समर्थक कश्मीर को लेकर जो है लगातार जो आप कहिए कि जहर उगलने का काम करते हैं, हमेशा सरकार के खिलाफ बोलते हैं, अब उनके खिलाफ अब मुकदमा चलाने की मंजूरी का आदेश दे दिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए अरुंधति रॉय और शेख शौकत हुसैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी का आदेश जो है दे दिया है। अब आपको बताते हैं कि आखिरी आदेश जो दिया गया है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि विभिन्न समूहों के बीच जो है दुश्मनी को इन्होंने बढ़ावा देने का काम किया है, यानी अरुंधति रॉय और शेख शौकत हुसैन, इसके पीछे का वाजिब कारण क्या है, किस तरीके से इन्होंने दुश्मनी फैलाने का प्रयास किया, किस तरीके से लगातार पाकिस्तान के समर्थन में कश्मीर को अलग करने की बात, आजादी चाहिए और कई सारे भारत विरोधी तत्वों के साथ इनकी मुलाकात और अलग अलग सम्मेलन जो कि भारत विरोधी सम्मेलन है उनमें इनका आप कहिए कि पार्टिसिपेट करना भी कई सारे रीजन थे। तो कश्मीर लॉ कॉलेज के पाकिस्तान समर्थक प्रिंसिपल को बर्खास्त किया गया था, सैयद अली शाह गिलानी अरुंधति रॉय के साथ मंच जो है साझा किया करते थे। तो श्रीनगर में कश्मीरी लॉ कॉलेज के अक्सर पाकिस्तानी समर्थक रुख अपनाने वाले अपने प्रिंसिपल शेख शौकत से नाता तोड़ने का फैसला किया था। बताया जा रहा है कि कॉलेज प्रबंधन ने शौकत को बर्खास्त कर दिया था और उनकी जगह नई नियुक्ति की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी थी। द न्यूज इंडियन की रिपोर्ट के अनुसार शौकत ने अक्सर पाकिस्तान प्रायोजित अलगाववादी संगठनों का समर्थन करते हुए कश्मीर के राजनीतिक क्षेत्र में अलगाववादी लाइन का पालन जो है किया है। शौकत 2016 में तब सुर्खियां बिटोरी जब उन्होंने सैयद अली शाह गिलानी, अरुंधति रॉय, प्रोफेसर एस आर गिलानी और अन्य जैसी प्रतिभाशाली हस्तियों के साथ आजादी द ओनली वे नामक सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित इस समारोह में भाग लेने के बाद शौकत पर इस कार्यक्रम में भारत विरोधी भाषण देने के लिए देशद्रोह के आरोप के तहत मामला दर्ज किया गया था, जबकि सम्मेलन में भारत विरोधी नारे भी लगाए गए थे। दिल्ली पुलिस ने इस तरह के आयोजन के संबंध में वक्ताओं के खिलाफ धारा 124A यानी देशद्रोह, 120B आपराधिक साजिश और 149 गैर कानूनी सभा के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इनके खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक कॉलेज प्रशासन ने अतीत में घाटी में सक्रिय अलगाववादियों और आतंकवादी नेटवर्क के साथ गुप्त संबंध बनाए रखने वाले शौकत की संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने के लिए एक निजी जांच शुरू कर दी है। शौकत को भारत के हिस्से के रूप में जम्मू और कश्मीर के भाग्य पर झूठी कहानियां गढ़ी गई थी। हमेशा जम्मू कश्मीर को लेकर आप कह सकते हैं पाकिस्तान के समर्थन में और भारत के विरोध में बातें कही जाती थी। घाटी में 370 निरस्त करने के बाद भी कई लोगों को बेहद ज्यादा तकलीफ जो है इसका अनुभव हो रहा था और ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिला भी। झूठी कहानियां गढ़ी गई, चीजें कही गई ताकि लोगों को, जनता को, बच्चों को बरगलाया जा सके, जिसके बाद कड़ा स्टेप जो है उनके खिलाफ लिया गया। कश्मीर के भाग्य पर झूठी कहानियां बनाने के लिए नियुक्त किया गया था और इसीलिए उन्होंने भारतीय राज के खिलाफ अलगाववादियों के सहस्त्र संघर्षों को बौद्धिक वैधता प्रदान की, जबकि शेख शौकत ने यह सब भारतीय राज्य के वेतन पर किया। उन्हें वेतन के रूप में लगभग 5.1 करोड़ रुपए और विभिन्न मदों के तहत अतिरिक्त भत्ते के रूप में 3.3 करोड़ रुपए मिले। इसके अलावा उन्हें हर महीने 1 लाख रुपए से ज्यादा की पेंशन मिलती है। एक सार्वजनिक प्राधिकरण जिसकी अभी तक पहचान नहीं की गई है, उसने भी शौकत के खिलाफ उसके आतंकी संबंधों के लिए पेंशन संबंधित कानून के प्रासंगिक प्रावधानों को लागू करने के लिए जांच शुरू कर दी थी। प्राधिकरण प्रिंसिपल को उसके आगे से राज्य भत्ते को रोकने के लिए अलगाववादी और आतंकवादी नेटवर्क के गुप्त विचारक के रूप में स्थापित करने के लिए निर्णायक सबूत ढूंढ रहा था। 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता संभालने के लिए श्रीनगर भी गए थे तो शौकत ने एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ जहर उगला था। कई दशकों लेख में लिखा था कि कई दशकों के अंतराल के बाद में किसी भारतीय प्रधानमंत्री के आगमन पर हवाई अड्डे की सड़क पर था। मैं वहां प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए नहीं बल्कि एक मजदूर को काम पर रखने के लिए आया था ताकि मैं अपने किचन गार्डन में कुछ काम के लिए उनकी सेवाओं का लाभ जो है उठा सकूं। उन्होंने कहा, एक बार जब मैंने एक बिहारी मजदूर के साथ मजदूरी तय की तो मौके पर मौजूद सीआरपीएफ जवानों ने उसे मेरे साथ जाने की इजाजत ही नहीं दी।
इसी लेख में उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि नरेंद्र मोदी की रैली में यानी पीएम मोदी की रैली में शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर के प्रवासी मजदूरों को जबरदस्ती जो है बस से ले जाया गया था। उन्होंने लिखा था कि स्थानीय लोगों के शत्रुतापूर्ण रवैये को देखते हुए मोदी की रैली में दर्शकों की संख्या सुनिश्चित करने का सबसे आसान तरीका प्रवासी मजदूरों को इसमें शामिल होने के लिए मजबूर करना था, ऐसा भी उनका कहना था। यानी अलगाववादी शेख शौकत की बर्खास्तगी जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा विभिन्न विभागों में 5 सरकारी अधिकारियों को बर्खास्त करने के कुछ दिनों बाद हुई थी और जिन्हें घाटी में अलगाववादी और आतंकवादी संगठनों के साथ संबंध पाए गए थे, उसके बाद इनकी बर्खास्तगी हुई थी। बड़ा काम किया गया था। अब दिल्ली के उपराज्यपाल ने कश्मीर पर टिप्पणी के लिए अरुंधति रॉय के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी। अब अरुंधति रॉय की भी बात जान लेते हैं। अभी तो हमने आपको प्रोफेसर के बारे में बताया, तो आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मद्देनजर कहा था कि आईपीसी की धारा 124 ए यानी देशद्रोह होता है वो, उसके तहत अपराध के लिए वियोजन मंजूरी देने के अनुरोध पर फिलहाल फैसला नहीं लिया जा सकता है। दो अन्य आरोपी सैयद अली शाह गिलानी और दिल्ली विश्वविद्यालय विख्यात सैयद अब्दुल रहमान गिलानी के मामले की सुनवाई के दौरान जो है मृत्यु हो गई थी। तो अब ऐसे में 2010 में आपको बता दें अरुंधति राय और शेख शौकत हुसैन के खिलाफ 2010 की एफआईआर के मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। वीके सक्सेना ने कहा कि रॉय और कश्मीरी केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय कानून के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी में एक सार्वजनिक समारोह में उनके भाषण के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए 153 बी 155 के तहत अपराध की प्रथम दृष्टता मामला बनता है। पिछली धारा 124 ए यानी देशद्रोह के तहत मंजूरी नहीं दी गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अन्य मामले में निर्देश दिया था कि राजद्रोह मामले पर संविधान पीठ का फैसला आने तक आईपीसी की धारा 124 से यानी देशद्रोह के तहत किए गए आरोप के संबंध में सभी लंबित मुकदमे अपील और कार्रवाई को तब तक के लिए स्थगित जो है रखा जाता है। तो कश्मीर में एक सामाजिक कार्यकर्ता सुशील पंडित ने 28 अक्टूबर 2010 को राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए बैनर तले 31 अक्टूबर 2010 को आजादी एकमात्र रास्ता फ्रीडम इज द ओनली वे पर आयोजित एक सम्मेलन में सार्वजनिक रूप से भड़काऊ भाषण देने के लिए शामिल विभिन्न व्यक्ति और वक्ताओं के खिलाफ शिकायत जो है दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि जिस मुद्दे पर चर्चा और प्रचार किया गया वो भारत से कश्मीर को अलग करना था। इसी ये भी आरोप लगाया कि भाषण उत्तेजक प्रकृति के थे जिसमें सार्वजनिक शांति और सुरक्षा खतरे में पड़ गई। इसके बाद शिकायतकर्ता ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिल्ली की अदालत के समक्ष सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत शिकायत जो है दर्ज कराई थी। मामले में एफआईआर 29 नवंबर 2010 को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के निर्देश पर 27 नवंबर 2010 के आदेश के माध्यम से राजद्रोह, धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने आदि राष्ट्रीय एकीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के वाले आरोपों दावों के साथ के अपहरण के बाद दर्ज की गई थी। तो ये जो आप कहिए कि गैर कानूनी गतिविधियों से जुड़ा भी मामला था, जिसके बाद ये एक्शन अब लिया गया है दिल्ली के एलजी द्वारा और इनके खिलाफ मामला चलाने की जो आप कहिए कि परमिशन है वो दे दी गई है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अभी से पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।